सेवा योजन विभाग की समीक्षा बैठक मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में कलेक्टर सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिला सेवा योजन अधिकारी व पशु चिकित्सा अधिकारी सहित संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सभी विभागों में खाली पड़े नियुक्तियों के संबंध में जानकारी हासिल करते हुए उस पर कार्य करने के निर्देश दिए गए। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कहा कि सभी संबंधित विभाग खाली पड़े सीटों का विवरण सेवा योजन कार्यालय को उपलब्ध कराएं, जिससे आगे की कार्रवाई हो सके। सबने कोई ना कोई रोजगार दिया है, पर इंटर नहीं किया। उसको पर्सनली देख लीजिए, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें बीसी करने वाले हैं, तो विभाग बार पूछा जाएगा कि किस विभाग ने कितना दिया। आप लोगों ने काम किया है लोगों को, लेकिन आपने यहाँ इंटर नहीं किया। प्लीज इसको प्रायोरिटी पे ले लीजिए, क्योंकि ये बीसी में मैं खुद प्रेजेंट था। प्रमुख सचिव साहब ने कहा था कि ये बहुत सीरियस है, आपके एमडी थे स्किल डेवलपमेंट के, उन्होंने कहा था कि इसमें कोई बताई मत नहीं है कि आपको ये जो सेवा मित्र है इनकी संख्या बढ़ानी है, रोजगार जो प्राप्त हुए हैं ये इम्पोर्टेंट है, सबने करना। सेकंड जो दूसरा है कि जितने भी हमारे ये अभी तक आपके कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई हैं, उसमें बहुत क्लैरिटी है कि आपको जो सर्विस प्रोवाइडर जेम से लेना है, और सर्विस प्रोवाइडर जैसे आप ले लोगे तो पुराना भी आ सकता है, नया भी आ सकता है। जो पुराने आपके एम्प्लॉई है वो कंटिन्यू करेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, वो बस सेवा यूजन जो ऐप आपकी वेबसाइट है वहाँ रजिस्टर्ड होकर सीधा वहाँ से दे दिया है। और जो 5-6 कम पड़ गए या कोई छोड़ के चले गए या अपात्र हो गए, उनको आप नए सर्विस परंतु सारे सर्विस प्रोवाइडर हो गए। 3 इस मीटिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये वाला विभाग द्वार रोजगार प्राप्त सेवा मित्रों की संख्या। प्लीज मैं बोल रहा हूँ, अब मैं सबको फोन करूंगा, अब आप समझ लीजिए क्या। हाँ, क्योंकि जब पूछा गया तो बहुत मुश्किल हो गया, 80,000 वो टॉप पे आ गए। हम थे जबकि पहले 6 अब वो एक ही धक्के में निकल गए। बाकी डिपार्टमेंट भी देखिए, जैसे देखिए उद्यान कर सकता है, कृषि विभाग बहुत कर सकता है। कृषि विभाग से कौन, कृषि विभाग से कौन ये एंटर कराइए यार, ये रोज मुझे अपडेट दीजिए, आप अपडेट करिए रोज, जब से यही चल रहा है। कई बार क्या आपने सीएम साहब को लिखित में देते हैं सारे के सारे, आपकी सी डी साहब आपके पास देखिए सब डाल दीजिए, गौशाला में जितने लोग हैं सब क्यों नहीं एंटर कर रहे, गौशाला में कितने लोग लगे आपके, 100-200 तो होंगे ही नहीं, 100-200 तो जितने भी है 50 तो होंगे, लेकिन अभी आपकी संख्या कितनी दिखा रहा है, 7 दिखा रहा है। सबको करिए ये ना, आपने कितने लिए सारे उसके नाम लिख दीजिए, सारे आपके पास डेटा है, वो सबने हल किया, इंटरेस्ट लेने की जरूरत है। बेसिक शिक्षा विभाग के पास जितने कॉन्ट्रेक्चुअल है वो दे दीजिए, बेसिक शिक्षा से कौन ट्रैक्शन लगाइए, आपके जितने भी जितने दिया आपने, मत्स्य विभाग का करिए, रेशम ने 13 ही दिए, लोक निर्माण के हमें मैक्सिमम चाहिए, वन विभाग के बहुत वन भाव से कौन है, आपने मनरेगा में कितनी लेवल लगाई है बताओ। हाँ पूरा मनरेगा की लेवल है, पंचायती राज विभाग से या ग्राम विकास विभाग से यही तो लेवल है सारी, जो लोग आए थे सारे भी इंटर हो जानी है, सीधा करिए इसको पूरा कम्प्लीट करिए, ठीक है, चलो साइन करा लिया सब।